हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टेक्निकल नैतिक पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि फोरसेज का प्लान हर बार क्यों बदलते रहते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि फोरसेज का प्लान हर बार बदलते रहता है, क्योंकि पहले इथेरियम आया और फिर ट्रॉन आया, फिर जो BUSD आया अभी नया। तो दोस्तों, ये बार बार चेंज होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये फ्रॉड है। ये बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है कि इसका बार बार प्लान ही चेंज होते रहता है, ऐसा क्यों है। तो इसके बारे में आज की वीडियो में बताने वाले, इसलिए वीडियो में तक बने रहिएगा, बीच में थोड़ा स्किप मत करिएगा। दोस्तों, आपको एक चीज़ पता हो कि फोरसेज जो है 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, और इसमें जो उनके को फाउंडर जो मिस्टर लाडो सर है, वो भी इस फोरसेज के मतलब कि जो बिजनेस है, एक प्लेटफॉर्म है, इस कभी बंद नहीं कर सकते, इसके साथ कभी फ्रॉड नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है और ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी पे वर्क करता है। और दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन करने वाली फोरसेज जो है पहली कंपनी है, और फोरसेज का प्लान इतना यानी कि डेवलप हो चुका है कि दुनिया की बहुत सी ज़्यादा नेटवर्किंग जो कंपनीज है वो फोरसेज की जैसा प्लान लेके आ रही है। और कुछ ऐसी कंपनीज भी है जिन्होंने फोरसेज का नाम कॉपी कर लिया है, फोरसेज का वो अपने कंपनी में फोरसेज का नाम डालते हैं, फोरसेज का प्लान उसी के जैसा प्लान अपने कंपनी में लाते हैं। और दोस्तों, फोरसेज एक ऐसा मतलब कि डेवलप सिस्टम है कि आज तक नेटवर्किंग के इतिहास में इसने सारे रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों, आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फोरसेज के प्लान में दम है। महामारी के समय, लॉकडाउन के समय, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे, तब फोरसेज का पहला प्लान जो कि इथेरियम का है, और दोस्तों जब लॉकडाउन के सब बेरोजगार हुए, तब इस इथेरियम के फोरसेज प्लान ने बहुत से लोगों को रोजगार किया था। और इसने फोरसेज का पहला प्लान इथेरियम ने ही लॉकडाउन के वक्त में पूरा धमाका मचा कर रख दिया था। और दोस्तों, पहले ये सिर्फ इथेरियम और ट्रॉन बेस्ड प्लान था, पर अब जो है इसमें एक नया सिस्टम आ गया जिसका नाम है BUSD। और दोस्तों, ये प्लान इतना डेवलप हो चुका है कि आज तक जो है अभी इसको निकले हुए सिर्फ 2 महीने हुए, और 2 महीने में जो इसकी जॉइनिंग हो गई है, यानी कि फोरसेज BUSD में 1,14,000 से भी ज़्यादा लोग जो है फोरसेज BUSD में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, सोचो कि forsage.io BUSD कितना ही डेवलप प्लान है। और दोस्तों, ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आगे आने वाले 2 महीने में इसकी जॉइनिंग जो है 5 लाख हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि फोरसेज का जो प्लान है वो हर बार क्यों बदलते रहता है और किस कारण से बदलता है, मिस्टर लाडो जो है इसका प्लान क्यों बदलते हैं। तो दोस्तों, पहला, जैसे कि हमने अभी बात की कि पहला जो प्लान था वो था इथेरियम बेस्ड प्लान, और जो सेकंड प्लान इसका आया वो था ट्रॉन बेस्ड प्लान, और इसका जो तीसरा प्लान है वो है फोरसेज BUSD यानी कि फोरसेज BSC फोरसेज बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो दोस्तों, हमारा जो फोरसेज का प्लान है वो आज से पहले 2 बार बदल चुका है, और आगे कितना बार बदलेगा ये हमें नहीं पता। और तो दोस्तों, हमारा जिसकी मैंने आपको सब बताया कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा प्लान कौन सा था, और अभी तक जो है हमारे 2 बार जो है प्लान चेंज हो चुके हैं। और दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला प्लान निकला था इथेरियम, तो ये तो बहुत अच्छे से चला, इसने लॉकडाउन पूरा धमाल मचा दिया। और दोस्तों, पर धीरे धीरे जो है इसका इथेरियम का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, और इसीलिए तो इसमें और दुनिया की बहुत ही ज़्यादा जो लोग थे वो फोरसेज के इथेरियम प्लान में मतलब काम करने लगे थे। तो उसके बाद तो फिर जगह ही नहीं बचती, तो लोग किसको ज्वाइन करते। इसलिए ऐसे 2 कारण थे कि इसका जो पहले बात की इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और अभी के दिन में जो फोरसेज इथेरियम का जो वैल्यू है वो है 1,89,000 के करीब में, यानी कि 1,90,000 के करीब में जो अभी उसका हो गया है। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि ऐसा कि कोई जो है फोरसेज इथेरियम में काम करना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और दोस्तों, फिर इसीलिए जो है हमारे मिस्टर लाडो सर, उनको ये चेंज करना पड़ा ताकि लोग जो है फोरसेज में ज्वाइन हुए, ऐसे तो फिर लोग की ऐसी इनकम नहीं बनेगी, क्योंकि फोरसेज के अधिकतर लोग जो है इसमें ज्वाइन हो चुके थे। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो हमारा नया प्लान निकला वो है फोरसेज ट्रॉन। तो दोस्तों, फिर फोरसेज का जब ट्रॉन प्लान निकला, तो इसमें भी जो इसका रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो इसमें लेकिन वैसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका रेट जो है
₹14 तक गया यानी कि ₹14 तक, और अभी के डेट में जो एक इथेरियम एक ट्रॉन का रेट है वो है ₹4 यानी कि ₹4 के बराबर जो है एक ट्रॉन होता है। और दोस्तों इसमें जो आपकी जॉइनिंग है वो होती है 200 ट्रॉन से। हाँ दोस्तों आप सोच रहे हो कि इसमें ज़्यादा है, तो दोस्तों पर इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे कि अभी फोर्सेज का जो BUSD प्लान निकला है उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि उसका भी पहला स्लॉट होता है वो 5 BUSD का, यानी कि अगर आप उसको कैलकुलेट करेगा तो आपका ₹400 आएगा। वैसे ही फोर्सेज ट्रॉन का जो आपका पहला जैसे कि आप 100 ट्रॉन लगते हैं तो बहुत से लोग देखते हैं कि अरे 100 ट्रॉन, और जब इसका रुपीज जो गए थी अभी ना इसकी अभी इसकी रेट बहुत गिरी हुई है, यानी इसलिए ये 4 यानी कि 4 रुपये पे आया हुआ है। नहीं तो जब ये 14 रुपीज पे गई थी तब जो है इसका स्लॉट बहुत महंगा होने लगा था। पहला स्लॉट ही इसका जो 1400 रुपये का होता था, पर अभी जो 100 ट्रॉन है वो इसका अभी फिर BUSD के बराबर में आ गया है। अब इसका 400 रुपये इसका पहला स्लॉट होता है, पर उस समय जो इसका भी रेट बहुत बढ़ गया था इसलिए लोग इसमें भी काम करना नहीं चाह रहे थे, और बहुत से लोग पहले से इसमें ज्वाइन हो गए थे। फिर इसमें भी लोगों को काम करने में अर्निंग करने में दिक्कत आती थी। तो दोस्तों यही सब देख के मिस्टर लाडो सर ने जो है इसका फिर इस प्लान को चेंज करके एक नया प्लान निकाला जिसका नाम है फोर्सेज BUSD। हाँ दोस्तों जिसका नाम है फोर्सेज ऑन BUSD बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो दोस्तों इसमें जो है ये एकदम BUSD जो है बहुत ही स्टेबल कॉइन है, यानी कि इसका रेट ना ही ज़्यादा कभी बढ़ता है और ना ही ज़्यादा कभी घटता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसका रेट कभी बढ़ता है नहीं कभी घटता है नहीं, घटता है बढ़ता है पर वो भी पॉइंट में। तो दोस्तों 0.0 ऐसे इसका कॉइन बढ़ता है घटता है, तो इससे जो है आपकी इनकम को ज़्यादा यानी कि आपकी इनकम ज़्यादा घटेगी नहीं आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो इससे मतलब ये BUSD एकदम स्टेबल कॉइन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती इथेरियम और ट्रॉन जैसा। तो दोस्तों इसी दौरान जो है मिस्टर लाडो ने बहुत सोच समझ के फोर्सेज ऑन BUSD बनाया स्मार्ट चेन का एक नया वो निकाला नया प्लान निकाला जो कि एकदम स्टेबल कॉइन है, इसका रेट कभी नहीं बढ़ सकता और ना ही कभी ज़्यादा घट सकता है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ ही गया होगा कि फोर्सेज का प्लान क्यों बार बार चेंज होता था, और आपको ये भी साथ समझ आ गया होगा कि फोर्सेज का प्लान चेंज होने से इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्रॉड हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये मिस्टर लाडो सर ने हम लोग के भलाई के लिए कि हम लोग की अर्निंग ज़्यादा हो इसीलिए जो है इन्होंने फोर्सेज का प्लान चेंज किया है। और दोस्तों लास्ट में मैं आप लोग को एक और ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि मुझे इंडिया के हर स्टेट से 5 से 10 लीटर चाहिए मेरे डायरेक्ट के लिए, और उसके बाद जितने भी मेरे पास आईडीज आएंगे उन सब को जो है मैं आप ही लोग के नीचे लगाऊंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके स्क्रीन के सामने मेरा नाम कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा, आप उसी जगह पे कॉन्टैक्ट करके मेरे से सारी डिटेल ले सकते हैं फोर्सेज के बारे में, और मैं आपसे आपको उसी जगह से जो है ज्वाइन करवा दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।